तो अतिया शेट्टी और केएल राहुल मोस्ट लविंग सेलेब्स में से एक है। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद इस जोड़ी ने इस साल जनवरी में शादी की थी। उन्होंने खंडाला में सुनील शेट्टी के फार्म हाउस में फैमिली और क्लोज फ्रेंड की मौजूदगी में साथ फेरे लिए थे। वहीं क्रिकेटर शादी के बाद अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। केएल राहुल ने होटल के रूम में अपनी लविंग वाइफ अतिया के साथ मिड नाइट बर्थडे केक भी काटा। केएल राहुल के एक दोस्त ने क्रिकेटर की पत्नी अतिया के साथ बर्थडे तस्वीर शेयर की। तस्वीरों में केएल को पत्नी अतिया के साथ केक काटते देखा जा सकता है। इस दौरान जहां बर्थडे बॉय ने कैजुअल स्ट्राइप टी शर्ट और डेनिम पहनी, तो वहीं अतिया भी पति के साथ ट्रेनिंग करते हुए नजर आई। वहीं सुनील शेट्टी ने अपने दामाद केएल को उनकी अतिया के साथ शादी की एक अनसीन तस्वीर शेयर कर बर्थडे विश किया। इसी के साथ सुनील ने लिखा, आप हमारे जीवन में धन्य हैं, जन्मदिन मुबारक हो। अतिया के भाई आहान ने भी केएल राहुल के साथ तस्वीर शेयर की। बता दें कि अतिया और केएल ने 23 जनवरी 2023 को शादी की थी। इसके बाद कपल ने अपने तमाम फंक्शन की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की। वहीं सुनील ने कन्फर्म किया था कि अतिया और राहुल का रिसेप्शन आईपीएल के बाद होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अतिया केएल राहुल के रिसेप्शन में कई बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया जाएगा।